पीलीभीत बीडीसी महासंघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। पूरनपुर ब्लॉक परिसर में आज सोमवार को बीडीसी महासंघ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास शौचालय के पात्र लाभार्थियों नामों की सूची में सम्मिलित कर सर्वे कराकर योजना का लाभ दिया जाए और शौचालय के नामों की सूची में सम्मिलित करवा कर शौचालय का लाभ दिया जाए। मनरेगा की कार्य योजना में सम्मिलित कर लाभ दिया जाए। ग्राम पंचायतों में होने वाली बैठकों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बुलाया जाए और उनको बैठक में प्रतिभाग कराया जाए। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान ब्लॉक प्रमुख के रिक्त पदों पर शीघ्र चुनाव कराया जाए। इन्हीं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज बीडीसी महासंघ व समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक परिसर में आकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा है। नरेगा में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो मीटिंग में बोला गया था, नरेगा से क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव लेके इनके कामों में सम्मिलित करवाया जाता है, ठीक है। चौथी जो है कि जो हमारी सीटें खाली हुई हैं, मतलब बीडीसी की प्रधान की, उसका चुनाव तत्काल करवाया जाए, जो क्योंकि सुचारू तरीके से सब काम हो सके। पांचवा यही है, सब मिला के 4-5 सूत्र की यही मांगे हमारी। इसमें कोई टाइमिंग दिया है नहीं? नहीं नहीं कोई नहीं, ना ना, जब भी मार्च में खुले सर्वे आवास पे, मार्च में हो, जब भी हो, तो हमारे लोगों को मतलब इनका नाम शामिल किया जाए। हम 5 सूत्रीय मांग लेकर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की जा रही है, द्वारा खंड विकास अधिकारी से हमने उम्मीद जगाई है कि ये 5ों मांगे हमारी जल्दी पूरी की जाएंगी और 5 सूत्रीय मांगे जो हैं वो जनहित में विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगी, ऐसी मांगे हम लोग लेकर आए। क्या मांगे? मांग, पहली मांग हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा जो भी सूची आवास के लिए बनाई जाए उन्हें सूची में पात्र में सूची में सम्मिलित कर जांचोपरांत उनको आवास दिलाया जाए, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास दिलाया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।